बच्चों आज हम आपको पाठ दो बाल बालिका के प्रश्न उत्तर लिखाने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर एक, बूढ़ी अम्मा का क्या नाम था? उत्तर, बूढ़ी अम्मा का नाम रमा देवी था। प्रश्न नंबर दो, बूढ़ी अम्मा की कहानियां कौन कौन सुनता था? उत्तर, बूढ़ी अम्मा की कहानी बच्चे और पक्षी सुनते थे। प्रश्न नंबर तीन, रंग बिरंगे पक्षी पेड़ों से झांकते हुए कैसे लगते थे? पेड़ों के ऊपर रंग बिरंगे पक्षी ऐसे झांकते जैसे वे उनकी कहानी सुन रहे हों। प्रश्न नंबर चार, अम्मा ने क्यों कहा कि वे अब बच्चों को कहानियां नहीं सुना पाएंगी? उत्तर, अम्मा ने कहा कि पेड़ों को काट कर काय पार्किंग बनेगी, सभी पेड़ काट दिए जाएंगे इसलिए कहानियां नहीं सुना पाऊंगी। प्रश्न नंबर पाँच, पेड़ों को बचाने के लिए बच्चों ने क्या किया? उत्तर, पेड़ों को बचाने के लिए बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर पक्षियों ने शोर मचाया जिससे पेड़ कटने से बच गए। प्रश्न नंबर छः, कुल्हाड़ी पकड़कर खड़े आदमी ने क्या कहा? उत्तर, कुल्हाड़ी